आप देख रहे हैं माय एजुकेशनल वीडियो हिंदी यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 2018 में आईपीएल में मुंबई इंडियन का साथ छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है और इसलिए उन्होंने बीसीसीआई को अगले साल होने वाली नीलामी में उनको शामिल करने के लिए आवेदन भी भेज दिया है। 2018 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स की 2 साल के निलंबन के बाद वापसी हो रही है। इस कारण से आईपीएल अभी से चर्चा में है। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने फ्रेंचाइजियों से रिटेन पॉलिसी पर भी विचार विमर्श करने को कहा है। उम्मीद बताई जा रही है कि इस बार की नीलामी प्रक्रिया पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। ऐसा लगता है कि हार्दिक पंड्या इस मौके का फायदा लेना चाहते हैं। 24 वर्षीय ऑलराउंडर ने भारतीय टीम में अपनी जगह स्थापित की है और पिछले कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता और तेज गेंदबाजी करने वाले पंड्या ने विराट कोहली ने भी उनकी बहुत तारीफ की है। हार्दिक पंड्या को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मुंबई इंडियंस ने 2015 में दिया था और उन्हें 10 लाख रुपए के बेस प्राइस से खरीदा था। ऐसा भी संभव है कि मुंबई इंडियंस पंड्या को रिटेन कर ले। हालांकि पंड्या को खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बेकरार है। रिपोर्ट की माने तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली है जो पंड्या के खेल से काफी प्रभावित है। ऐसे में वो पंड्या को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। हार्दिक पंड्या को इस बार नीलामी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई तो हर टीम चाहेगी कि वो उनकी तरफ से खेले। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि हार्दिक पंड्या के लिए कौन सबसे ज्यादा बोली लगाता है।